चलिए जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर पाया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि राज्यसभा के भी सदस्य को सांसद कहते हैं और लोकसभा के सदस्य को भी सांसद कहते हैं, लेकिन संसद के इन दो सदनों के बीच में क्या अंतर पाया जाता है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको जानने की आवश्यकता है। आज सिंपली बात है कि भारत में राज्यसभा एक उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। जिस प्रकार से अमेरिका में रिप्रेजेंटेटिव हाउस वहाँ का निम्न सदन होता है और सीनेट वहाँ का उच्च सदन होता है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है और लोकसभा वहाँ का उच्च सदन है। बात यहाँ पर हो रही है कि हमने राज्यसभा का गठन करने के इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया, अमेरिका से। भारत में राज्यसभा अमेरिका के सीनेट के समान है, लेकिन अमेरिका में सीनेट का गठन और उसके सीटों का आवंटन जहाँ पर समानता के साथ किया गया, भारत में वहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया, जिसका अर्थ होता है जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक है, राज्यसभा में उसकी सीटें भी उतनी अधिक होगी। लेकिन अमेरिका के सीनेट के संदर्भ में ये बात नहीं पाया जाता। अमेरिका के सीनेट में वहाँ पर सभी राज्यों के द्वारा केवल दो ही प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, इसलिए राज्य की संख्या 50 होने के कारण सीनेट की सदस्य संख्या वहाँ पर 100 है। चलिए एक महत्वपूर्ण अंतर आपने समझा कि राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, इसमें राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, और लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, इसके अंतर्गत लोकसभा के प्रतिनिधि पाए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है कि राज्यसभा का गठन और निर्वाचन उस राज्य के निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, जबकि लोकसभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से सीधे जनता के द्वारा कराया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल स्थायी होता है, लेकिन इसके एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है, क्योंकि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए इसको कभी भी कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता। अमेरिका के सीनेट के सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्ष है, सीनेट भी वहाँ का स्थायी सदन होता है, ना वहाँ के सदस्य भी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। जबकि भारत में लोकसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन के तारीख से 5 वर्ष होता है, लेकिन कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है, और राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को पुनः घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण भी अंतर पाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर राज्यसभा और लोकसभा में यह है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष के आयु का होना आवश्यक है, जबकि लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम केवल 25 वर्ष की आयु भी निर्धारित की गई है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक अन्य अंतर यह पाया जाता है कि धन विधेयक का प्रस्तुतीकरण केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता।
लोकसभा के द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा के द्वारा यदि 14 दिन के भीतर इस धन विधेयक को पारित नहीं कर दिया जाता तो यह दोनों ही सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक योग्यता है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, परंतु सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद केवल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, क्योंकि अविश्वास के प्रस्ताव को भी पारित करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा को प्राप्त है, यह अधिकार राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। यद्यपि नियंत्रण करने का अधिकार राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही हासिल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज अपने इस चर्चा के अंतर्गत बात किया कि राज्यसभा और लोकसभा में किन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। चलिए, हम लोगों का आज का ये क्लास केवल यहीं तक था। अगले क्लास में किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभकामना, धन्यवाद।